नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और मैं हूं रजत। आज बाजार की ओपनिंग ठीक हुई है, 25 पॉइंट्स के गेंस निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है और आज जो छोटे बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स, वहां पर ज्यादा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 107 पॉइंट्स ऊपर है। ल्यूपिन, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडेक्स के सबसे ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन अब ये देखते हैं कि यहां से और कितना पिकअप होते हैं, क्योंकि हमने बार बार 9600 के लेवल को टेस्ट किया, उसके नीचे नहीं गए, यानी कि मार्केट्स अभी भी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। बाय एंड डिप्स की मार्केट बनी हुई है। और आज शुरुआत के आधे घंटे हम करेंगे मुंबई स्पेशल, तो मुंबई दर्शकों के लिए अच्छा मौका, शानदार मौका, आप हमें कॉल करिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं। सचिदानंद जुड़े हैं हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से और अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमें सवाल पूछने का तरीका हम आपको बता देते हैं। आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ मुंबई से दर्शक जुड़े हैं संदीप। संदीप ने हमें कॉल किया। संदीप नमस्कार। संदीप आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? मुझे पूछना था, मेरे पास अशोक लेलैंड है जी, 32 के रेट पे 100 शेयर। ओके, कांग्रेचुलेशंस, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है आपको यहाँ पर। कब तक रुके रह सकते हैं? एक्चुअली मैं 3 साल पहले कुछ लिया था मैंने जी, तो मुझे पूछना मैं रुक सकता हूँ कि निकाल दूं उसको अभी जी। चलिए हम सवाल ले लेते हैं। सचिदानंद, ये आपसे सवाल होगा, इनके पास अशोक लेलैंड के शेयर्स हैं, काफी अच्छा मुनाफा इनको यहाँ पर हो रहा है, क्या राय होगी अशोक लेलैंड में आपकी? वेल, इनकी एंट्री लेवल तो काफी अच्छी है एंड अगर हम रिसेंट हिस्ट्री देखें तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट 92 लेवल्स के आसपास देखा गया था, तो यहाँ पर एक प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट है जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में काफ़ी हद तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रह सकता है। 115-114 तक के टारगेट्स यहाँ पर उभर के आ रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट अगर मौका मिलता है तो वापस ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक को। अगर 2 या 3 महीने का आपका नज़रिया है तो 115 तक के स्तर आप देख सकते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय ऑन डिक्लाइंस एंड होल्ड, ये दोनों रिकमेंडेशंस होंगे। यू शुड बी पार्टिसिपेटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप रख सकते हो अराउंड 90 का एंड फ्रेश लॉन्ग्स भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। चलिए बने रहिए, अच्छा सौदा है और बेहतर रिवॉर्ड आपको दिला सकता है। दीपक जी मुंबई से लाइन पे मौजूद है। दीपक जी नमस्कार, सवाल बताएं सर, क्या खरीदा है आपने? सर मैंने BML बाय किया हुआ है 1435 पे। ट्रेडिंग कॉल है क्या, ट्रेड करने के लिए लिया है सर या फिर इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट किया सर। एक साल का नजरिया मान के चलूं, रुक सकते हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, आपको इस पे नजरिया गेस्ट कि क्या यहाँ पर रिकमेंडेशन है ये दिलाएंगे, लेकिन अभी कॉमोडिटी मार्केट की ओपनिंग का समय हो गया, बने रहिए। और ये BML पे जो आपका कॉल है इस पे आपको रिकमेंडेशन देंगे, लेकिन मृत्युंजय मेरे सहयोगी इस समय साथ मौजूद है। मृत्युंजय, आज कॉमोडिटी मार्केट पे, इनफैक्ट क्रूड पे फोकस ज्यादा है क्योंकि 4% का गोता तो कल लगा गया था इंटरनेशनल मार्केट पे। बिल्कुल रजत, और लेकिन उस गिरावट के बाद आज थोड़ा सा मार्केट रिकवर हुआ है, $45 के आसपास है WTI क्रूड, ब्रेंट का भाव 48 के करीब है और कल करीब 4% की गिरावट आई थी। और इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, कच्चे तेल में करीब 0.5% की मजबूती है, 2953 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है, करीब 15 रुपये ऊपर कल की तेज गिरावट के बाद। नेचुरल गैस में करीब 0.5% की मजबूती है, 185 के ऊपर MCX पर NG में ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा कॉपर की बात करें तो कॉपर कीमतों में थोड़ी सी कमजोरी है और 382 के नीचे है MCX पर कॉपर का भाव। निकल में करीब 2.5 रुपये की नरमी है, 591 के नीचे MCX पर निकल। और साथ ही बात करें कुछ और काउंटर की तो जिंक में करीब 0.5% की कमजोरी है, 179 के आसपास है MCX पर जिंक। और लेड का भाव करीब 0.5% नीचे यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो मेटल का मार्केट आज दबाव में कारोबार कर रहा है, एल्युमिनियम भी लाल निशान में है, 125 के नीचे MCX पर एल्युमिनियम। सोयाबीन का भाव 8 रुपये नीचे है, 2931 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तेज़ी आई थी बीच में, लेकिन उस तेज़ी के बाद मार्केट में बिकवाली आई है। सोया तेल 644 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, करीब 1.5 रुपये नीचे, यहाँ पर भी करेक्शन है। मस्टर्ड का मार्केट भी करेक्ट हुआ है, 3582 के लेवल पर यहाँ पर शुरुआती दौर में ट्रेड हो रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग, किस तरह से मार्केट ओपन हुआ है। जीरा वायदा करीब 150 रुपये ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ राम पित्र हैं कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अमित, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बुलियन का मार्केट आपको किस तरह से आगे मूव करता हुआ दिख रहा है, और क्या आपको लगता है कि आज के कारोबार में बुलियन मार्केट में स्पेशली गोल्ड में बाई करके चलना बेहतर रहेगा? जी नमस्कार,
देखिए कल हमने रात को जो FOMC मीटिंग मिनट्स में देखा कि आगे आने वाले इन्फ्लेशन को लेकर US में कंफ्यूजन है फेड मेंबर्स के बीच में, तो उसके चलते कहीं ना कहीं डॉलर में हो सकता है कि एक आध दिन में थोड़ी नरमी देखने मिले, जिस वजह से शॉर्ट टर्म में ही सही गोल्ड को थोड़ा फायदा मिल सकता है। इंट्राडे पर्पस के लिए एक बार पुल बैक आ सकता है, बट अपसाइड लिमिटेड होंगे। इंट्राडे के लिए अगर कोई बाय करना चाहता है तो कर सकता है जी। और सिल्वर के ऊपर अमित क्या भी होगा आपका, क्या आज के कारोबार में आपको लगता है कि चांदी की चाल भी बेहतर रहेगी और बाय करके चलना चाहिए? जी देखिए, जब तक कल के लोज होल्ड कर रहा है 37,200-250 जोन में, तब एक पुल बैक का ही एक्सपेक्टेड है। अपसाइड कैप्ड होगा 37,800-900 जोन में, बट हाँ इमीडिएट बायर्स अपसाइड हो सकता है। क्रूड का मार्केट काफी फ्लक्चुएट हुआ है, कल के कारोबार में करीब 4% की गिरावट आई थी, आज मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं कच्चे तेल का? देखिए कल ऑल्सो हमने API इन्वेंट्री में देखा था कि काफी भारी गिरावट है, -5.8 मिलियन बैरल्स का एक गिरावट है, जिस वजह से एक ब्रीफ रिलीफ फैमिली जरूर आई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड कहीं ना कहीं कैप है। ओवरऑल OPEC का प्रोडक्शन बढ़ रहा है अभी भी डिस्पाइट द कट्स दे हैव अनाउंस्ड, तो मेरे ख्याल से अपसाइड कैप होगा। 2980 के करीब इंट्राडे में बेचा जा सकता है और 2900 के नीचे तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में लेके चला जाता है। जी हमारे साथ राम पित्रे भी जुड़े हैं, राम पित्रे स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, आपका व्यू बुलियन और एनर्जी मार्केट के ऊपर इंट्राडे के लिए क्या होगा? बुलियन ओवरऑल जो बेरिश सेंटीमेंट अभी भी काफी है, मुझे लगता है $1200 ऑन इंटरनेशनल मार्केट इज पॉसिबल एंड बिलो दैट 1180 आल्सो। सो ओवरऑल मार्केट में अभी तक द स्ट्रेंथ डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी और उसका प्रेशर डेफिनेटली गोल्ड में बुलियन में देखने को मिल सकता है। एंड ओवरऑल क्रूड की बात करें तो क्रूड में एक अभी भी डाउनसाइड पोटेंशियल बाकी है और मुझे लगता है 100 पॉइंट्स का डाउनसाइड पोटेंशियल है। ओवरऑल ऑन इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाएगा तो 47.50 तक एक अपसाइड मोमेंटम दिख सकती है, पर वहां से वापस मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है, मेटल मार्केट को लेकर के अमित आपका व्यू क्या होगा? आज पूरा मेटल काउंटर में दबाव देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि आज के लिए बिकवाली करना ही ठीक है मेटल में? जी देखिए ओपनिंग को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि कल का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, खास करके कॉपर में हमने देखा है कि जबकि ऊपरी स्तरों पर $6,000 के करीब भाव जाते हैं LME पर, तो हमें यू नो LME पे इन्वेंट्रीज जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आते हैं। कल भी 40,000 स्टॉक्स जो बढ़े थे 40,000 टन से, तो उसके से दबाव देखने मिल रहा है। एक ब्रीफ रिलीफ रैली 384 तक जरूर आ सकती है, बट मैं वहां पर बेचने की सलाह देना चाहूंगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं मेटल मार्केट में, जिस तरह से अभी आपने बताया कॉपर में रिकवरी की कॉल है, लेकिन राम पित्रे कॉपर के अलावा बाकी मेटल काउंटर आपको किस तरह से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि निकल में और मुझे लगता है कि ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, अराउंड 600 का एक स्टॉप लॉस लेके मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में सेल कर सकते हैं। जिंक सरप्राइजिंगली अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी अपसाइड जो देखने को मिली है लास्ट वन वीक से 182 लेवल पे मुझे लगता है एक सेलिंग बनती है, वहां तो एक कंटिन्यू रहेगी, बट द ट्रेंड इज स्लाइटली बुलिश, बट एट द मोमेंट एक करेक्टिव रैली हम थोड़ी नीचे बिजनेस स्तर तक देखने। ओके बिल्कुल संक्षेप में अमित, आज के लिए ग्वार और सोयाबीन इन दोनों काउंटर पर आपका व्यू क्या होगा? देखिए सोयाबीन में हमने 2700 की लेवल से काफी अच्छी खासी सस्टेनेबल अपसाइड मूव देखी है, मुझे लगता है कि ब्रीफ करेक्शन ऑल दो आ सकती है, बट शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बायस अपसाइड है, जो भी डिप्स आती है उस पर बाय करके चला सकता है। शॉर्ट टर्म टारगेट लें तो 3000 के करीब टारगेट हो सकते हैं। जहां तक क्वार का सवाल है, इमीडिएट डाउनसाइड लिमिटेड है, 3100-3150 के करीब बाय किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका और राम पित्रे आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए पूरे दिन भर की रणनीति, कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। हमारे साथ आज रेनिशा चेनानी होंगी मोनार कैपिटल की और साथ ही हमारे साथ वंदना भारती होंगी SNC कंपनी। और अब बात होगी शेयर बाजार की, हम लगातार मुंबई के दर्शकों के सवालों के आज जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ रजत यहाँ पर बने हुए हैं और साथ ही पूजा हमारे साथ हैं। रजत क्या एक्शन दिख रहा है मार्केट में? बिल्कुल गेन है 28 पॉइंट्स का निफ्टी पे, ITC सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है, क्रेडिट सूज एक्स एशिया लिस्ट में उसको शामिल किया है ITC को और काफी स्ट्रांगली आज बढ़त में है और बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में है। ब्रेक से पहले
बीएमएल पर प्रश्न था दीपक जी का मुंबई से, और इनकी जो खरीद है वो है 1435 के लेवल पे। मेरे साथ सचिदानंद उत्तेकर साहब और अविनाश गोरखेश साहब मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। अविनाश जी, एक साल के पर्सपेक्टिव से बीएमएल खरीदा है इन्होंने 1435 के लेवल पे, मुनाफा है, इसको अभी समेट लें या फिर अभी और एक्सटेंड होगा यहाँ पर प्रॉफिट? ना आई थिंक रजत, मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल बीएमएल का है, इनकी ऑर्डर बुक FY18 के लिए काफ़ी स्ट्रांग है, और हमको लग रहा है कि डिफेंस रिलेटेड और रेलवे रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इनको और भी मिलने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो मेरे ख्याल से करीबन 1650-1680 का टारगेट देखे, और मेरे ख्याल से कम 6-12 महीने का व्यू रखे, यहाँ से थोड़ा सा और मुनाफा इस लेवल से भी बन सकता है, तो होल्ड करें। तो होल्ड करने की राय होगी बीईएमएल में। चलिए, मुंबई से लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, प्रफुल ने हमें कॉल किया है। प्रफुल नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नहार स्पिनिंग के लिए। ओके, ये कब लिया, कब तक बने रह सकते हैं आप इस स्टॉक में? नुकसान हो रहा है आपको काफी? मैंने तो 4-5 साल हो गया। ओके, तो लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं आप? हाँ, कर तो सकता है, लेकिन अभी 5 साल तो हो गया। चलिए राय ले लेते हैं। सचिदानंद जी, इनके पास नाहर स्पिनिंग के शेयर्स हैं, 145 के भाव पर लिया है, काफी नुकसान इनको यहाँ इस वक्त हो रहा है, क्या राय होगी आपकी? देखिए, अगर हम पिछले कुछ साल देखें तो 150-155 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहा है स्टॉक के लिए, और नीचे में अराउंड 100-110 एक अच्छा सपोर्ट है, तो इसी के बीच में ऑस्किलेशन चल रहा है पिछले कुछ सालों से, तो यहाँ पर यू नो अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट जब तक एक डिसेंट ब्रेकआउट नज़र नहीं आता स्टॉक पे अराउंड 150 के अबाव, तब तक ये स्टॉक अवॉइड करना चाहिए, और यहाँ पर एग्जिट की राय होगी। इनफैक्ट 155 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है देन प्रॉब्ली यहाँ पर रीइनिशिएट करने की राय होगी, बट एज ऑफ नाउ एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए, आपको तो यहाँ पर मुनाफा जो लॉस हो रहा है थोड़ा बुक करना पड़ेगा, 155 के ऊपर निकलता है तभी इसमें तेजी की उम्मीद की जा सकती है। अविनाश जी मुंबई से इस समय लाइन पे मौजूद हैं। अविनाश जी नमस्कार, बताएं क्या ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है मार्केट में आपने? जी, मैंने काफी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने नोसिल के लिए थे। अच्छा, 36 के लेवल पे। तो अभी मैं जानना चाहता था कि मुझे और कितनी रखना कुछ फायदेमंद रहेगा, या मुझे इसको बेच के प्रॉफिट बुक करानी? सर रुक तो सकते हैं ना, अभी आप टाइम तो दे सकते हैं अपने इस इन्वेस्टमेंट को। हाँ, टाइम तो दे सकता हूँ, अगर मतलब अगर प्रॉस्पेक्टस अच्छे है तो जरूर आगे रुक सकता हूँ। चलिए ठीक है, आपको अविनाश जी से ही राय दिलाते हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अविनाश जी, इनकी जो खरीद है ना वो 36 के भाव की है, 115 तो हो गया नो सेल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, होल्ड करें, यहीं पर ही और मुनाफा मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आएगा क्या? नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट रजत, रबर केमिकल्स में नोसिल एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, और जिस प्रकार की बैलेंस शीट नोसिल की है हमको लग रहा है काफ़ी स्ट्रांग बैलेंस शीट है, बिल्कुल डेट फ्री बिजनेस है, और हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज़ FY18 में भी अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। इन्होंने रिसेंटली नवीन फ्लोरो के शेयर भी बेचे हैं, तो थोड़ा बहुत मुनाफा इनको नॉन कोर एसेट से भी मिलेगा। मेरे ख्याल से FY18 में कम से कम 15-20% का अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, तो यहाँ से करीबन 140-145 का टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। हालांकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत कम है, बट डेफिनेटली 140-145 में पूरा मुनाफा वसूल कर ले। तो चलिए, होल्ड करने की राय होगी, 140 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से ही जुड़े हैं, सौरभ। सौरभ नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, पूछिए जी। मैम, मैंने यूनिटेक खरीदा है 5.10 रुपए के भाव से, और कब तक इसे होल्ड कर सकते हैं आप? इन्वेस्टमेंट के ख्याल से है, और ये एक साल दो साल भी रुक सकता हूँ। 2 साल के लिए रुक सकते हैं आप? ठीक है। सचिदानंद जी, इनके पास यूनिटेक के शेयर्स हैं, 2000 शेयर्स इन्होंने लिए हैं, और आज यूनिटेक का स्टॉक करीब 3% की मजबूती के साथ ट्रेड भी कर रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, क्या राय होगी? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो स्टॉक काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर ही रहा है। इनफैक्ट यू नो बार बार इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ट्रेडिंग बाउंस बैक आ जाता है, बट यहाँ से सस्टेनेबल एक ट्रेंड अभी तक उभर के नहीं आई है, तो यहाँ पर यू नो अगर 7-7.5 तक के लेवल्स देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट ले लेना चाहिए, यहाँ पर वेट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर स्पेस में काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स अभी भी यू नो डिसेंट वैल्यूएशंस और डिसेंट सेटअप्स से मिल रहे हैं, तो यहाँ से डेफिनेटली एक अच्छा अगर बाउंस बैक मिल जाता है 7.5-8 रुपीज़ तक का, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, रमेश जी मुंबई से लाइन पे मौजूद हैं, आप भी कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं मुंबई दर्शकों के लिए, इसमें हमारी टोल फ्री लाइंस ओपन है, आप सवाल पूछ सकते हैं। रमेश जी नमस्कार, सवाल बताएं सर।
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डियर. आई एम होल्डिंग 5,000 शेयर्स ऑफ एफसीएल एट 25. फिनोटेक्स केमिकल. यस. ओके राइट. कब से होल्ड कर रहे हैं सर? नियरली वन ईयर. लास्ट जुलाई अगस्त आई हैव बॉट. तो मुनाफा हो गया, शानदार. आप रुक सकते हैं, समय दे सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को? 100%. आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. चलिए बेहतर है अविनाश. ये फिनोटेक्स केमिकल पर रिटर्न्स बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं. 25 की खरीद है, 33 हो गए, क्वांटिटी भी अच्छी है 5,000. अभी होल्ड करें क्या? नहीं, मेरे ख्याल से स्पेशलिटी केमिकल में ये कंपनी ऑपरेट करती है और हमको लग रहा है कि आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा रहेगा. रजत, मेरे ख्याल से इन्होंने मुनाफा तो अच्छा कमाया है, बट मेरे ख्याल से 45-50 का टारगेट लेके इनको मेरे ख्याल से पार्टली प्रॉफिट बुक करना चाहिए. मेरे ख्याल से मिड कैप शेयर होने के कारण लिक्विडिटी थोड़ी लिमिटेड है, लेकिन 45-50 के स्तर पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए. तो बने रहने की राय होगी फिनोटेक्स केमिकल्स में. अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ी है अमृता. अमृता जी, गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या सवाल है आपका. हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी. मेरे पास 300 शेयर है कोल इंडिया का 278 के रेट पे. ओके, नुकसान हो तो मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ फॉर अनदर वन ईयर? ओके, मुझे उसकी राय जाननी थी. जी बिल्कुल. सचिदानंद जी के पास कोल इंडिया के शेयर्स हैं, 278 के भाव पर इन्होंने लिया, नुकसान हो रहा है इनको हल्का यहाँ पर. एक साल का व्यू है इनका, क्या राय होगी आपकी? देखिए, डेफिनेटली स्टॉक में काफ़ी समय से एक दबाव बना हुआ है और जिस तरीके से 320 से एक डिक्लाइन आया है, अराउंड 220-230 एक अच्छा सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए. तो मेरी राय होगी कि यू नो यहाँ पर एक बार यू नो अगर पॉसिबल है तो यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं. ऑन द अपसाइड एक बाउंस बैक की काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहे हैं. RSI ऑन द वीकली स्केल काफ़ी ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है अराउंड 285-290 जोन के लिए. बट यू नो इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के आसपास डेफिनेटली ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, जल्दबाजी में निकलना नहीं चाहिए. एंड हो सके तो आप थोड़ा सा पोजिशन आप ऐड कर सकते हो, कीपिंग अ स्टॉप लॉस समवेयर क्लोज टू 220. चलिए, मुंबई के दर्शक अपने सवाल भेजें. जो फोन लाइंस हैं वो हमारी खुली हैं और वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश भी कर रहे हैं. मेरे साथ तो डॉक्टर के लाल साहब मुंबई से मौजूद हैं. लाल साहब नमस्कार, स्वागत है, बताएं सवाल. जी जी, ये विजया बैंक हमारे पास जो है 1,000 शेयर है, 50 की खरीद है सर. कब से होल्ड कर रहे हैं? बहुत पहले खरीदा था, बहुत पहले. चलिए, रुक सकते हैं क्या अभी? लंबा टर्म का, लंबा टर्म का नजरिया है. ठीक है अविनाश जी, 50 की खरीद है. ओके राइट सर. अविनाश जी, 50 की खरीद है, 1,000 क्वांटिटी है. विजया बैंक, बैंकिंग स्टॉक्स एकदम से एक्टिव हुए हैं आज के सत्र में. विजया बैंक को स्पेसिफिकली कैसे देखते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से? नहीं, मुझे लग रहा है कि विजय बैंक इन्होंने काफ़ी निचले लेवल पे खरीदा है और मेरे ख्याल से जिस प्रकार का रवैया अभी PSU बैंक्स में देखने को मिला है, ज़्यादातर एसेट क्वालिटी बैंकों की स्टेबल होने की एक्सपेक्टेशन है. काफ़ी प्रोविजनिंग इन बैंकों ने ऑलरेडी किया है. विजय बैंक की स्पेसिफिकली हम बात करें तो मेरे ख्याल से आने वाला साल डेफिनेटली FY18 इनके लिए अच्छा होना चाहिए. कैपिटल फंडिंग भी गवर्नमेंट देने की सोच रहा है, तो मेरे ख्याल से 75-80 का टारगेट है, यहाँ से थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले. तो विजया बैंक होल्ड करने की राय होगी और पिछले 6 महीने में अच्छा रनअप भी स्टॉक में देखने को मिल चुका है. मुंबई कॉलर्स समय कॉल कर सकते हैं शो में, शो का हिस्सा बन सकते हैं. और अब कोई भी ट्रेड लेना चाहते हो तो पहले एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लीजिए. अविनाश गोरखशंकर साहब और साथ ही साथ सचिदानंद उत्तेकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं. अगले दर्शक इस समय लाइन पे मौजूद है अपना सवाल पूछने के लिए, महेश जी. महेश जी नमस्कार. नमस्ते. टाटा केमिकल मेरा 821 का भाव में परचेस है सर. 621 होगा, 621. हाँ 621. हाँ तो इसका फ्यूचर कैसा है सर? अच्छा ठीक है, अविनाश बताएं, इनकी खरीद 621 के आसपास की है, मुनाफा तो हो गया पिछले कुछ दिनों में. टाटा केमिकल्स अच्छे रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को, अभी बने रहें या फिर एग्जिट कर जाएं? ना, आई थिंक रजत इनको बने रहना चाहिए. सोडा ऐश से मेरे ख्याल से काफ़ी सिग्निफिकेंट बिजनेस इनको आता है, प्लस जिस प्रकार का इनका मेरे ख्याल से अभी बिजनेस पोजिशनिंग है, एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काफ़ी एग्रेसिवली अपने आप को पोजिशन कर रहे हैं. मुझे लग रहा है कि FY18 में परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफ़ी अच्छे होने की एक्सपेक्टेशन है और मोर इम्पॉर्टेंटली हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की डेट इन्होंने कम की है, इन्होंने अपनी यूरिया बिजनेस निकाल के उसको बेच के काफ़ी डेट करने की बात की है, तो ये सब डेफिनेटली पॉजिटिव अर्निंग्स मेरे ख्याल से FY18 में लाएगा. यहाँ से 675-680 का टारगेट देखिए और वहाँ पे थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें, तब तक होल्ड करने की राय रहेगी. चलिए 675-680 का टारगेट टाटा केमिकल्स पे, इसको होल्ड करने की सलाह है सर.
अब एक ऐसा स्टॉक आपके लिए रोज बाय रोज लेकर आते हैं जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होता है, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव होती है और ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर होते हैं। अंचल रोज बाय रोज हमारे साथ जुड़ते हैं। अंचल बताएं आज का कौन सा स्टॉक है? आज एक और ऑफ बीट स्टॉक लेकर आए हैं, कल ग्रीस कॉटन की बात की थी, आज टोटली विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं। कोगियो कैमलिन ये कंपनी है जिसपे आपको नजर रखनी चाहिए, स्टेशनरी कारोबार में है, बहुत दिग्गज प्लेयर नहीं है, ऐसे बड़ी कंपनियां मार्केट में है, लेकिन कंपनी की वैल्यूएशंस और कंपनी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग हैं। पहले कंपनी के रिजल्ट्स की बात करते हैं। Q4 में कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में घाटे से मुनाफे में आई, लगातार दो क्वार्टर से घाटा पोस्ट कर रही थी और फाइनली अब एक टर्न अराउंड Q4 में आता हुआ दिखा और ये ट्रेंड अब आगे भी जारी रहता हुआ दिखेगा। उसके दो बड़े कारण है, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का कम हुआ है क्योंकि कंपनी ने अपने डेट को पे ऑफ किया, करीब 10% डेट पे ऑफ किया है FY17 के अंदर, वो चीज Q1 नंबर्स के अंदर सपोर्ट करती हुई दिखेगी। साथ ही साथ जो कंपनी का ऑपरेशनल एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, नए मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं तो रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ रही है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा कोकोयो कैमलिन के लिए। अब बात करते हैं आने वाले नंबर्स की। Q1 FY18 में कंपनी का मुनाफा स्ट्रांग रहता हुआ दिखेगा और मार्जिन्स करीब करीब 1-2% के बीच में बढ़ते हुए दिखेंगे और वो अपने आप में ओवरऑल पूरी जो स्टोरी है वो दर्शा रहा है। वैल्यूएशन वाइज अच्छी कंपनी है, सेक्टर का अगर आप कंपेयर करें करीब 18-20 के मल्टीपल में सेक्टर ट्रेड कर रहा है, शेयर जो है वो इस समय ऑलमोस्ट 12 के मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छा अपसाइड शेयर में बाकी है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, कोई शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। इन सभी ट्रिगर्स को देखते हुए फर्स्ट कॉल मानता है कि अच्छी बैट हो सकती है, मीडियम टर्म के लिए आप 130 तक के टारगेट्स के साथ खरीदारी कर सकते हैं कोकियो कैमलिन में। तो कोकियो कैमलिन और अंचल अच्छी तेजी भी आज स्टॉक में है, करीब 3.5% की मजबूती स्टॉक में आज देखने को मिल रही है और ये आज का ब्रोकरेज रडार का पिक होगा। चलिए अगले कॉलर ले लेते हैं, धर्मेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ मुंबई से। धर्मेंद्र नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरे पास ट्राइडेंट है, कुछ 3000 की क्वांटिटी है जी। आपके स्टॉक का नाम एक बार फिर से बताएंगे? ट्राइडेंट का स्टॉक है आपके पास, ठीक है। ये किस भाव पर? 3000 की क्वांटिटी है मैम। ओके, और कब तक बने रह सकते हैं आप? कर सकते हैं 1-1.5 साल बने रह सकते हैं। ओके, सचिदानंद जी इनके पास ट्राइडेंट के शेयर्स हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करें, इनके करीब 1-1.5 साल का व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है स्टॉक में, क्या राय होगी आपकी? देखिए एज फार एज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज कंसर्न, एक काफ़ी कंसिस्टेंट अप ट्रेंड में रहा है ये स्टॉक, पिछले कुछ महीनों से एक दबाव है बट अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, तो यहाँ पर होल्ड करने की राय होगी। यहाँ पर स्टॉक इमीडिएटली एक 200 डे मूविंग एवरेज के नज़दीक अभी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर एक डिसेंट बेस वापस बन सकता है स्टॉक में, अराउंड 75-78 इस पर्टिकुलर जोन के नज़दीक, तो यहाँ पर होल्ड करने की राय होगी। ऑन दी अपसाइड जैसे ही 90-92 लेवल्स वापस यू नो ब्रेक होते हैं तो वापस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में देखा जा सकता है, बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके से मूवमेंट है आई थिंक यहाँ पर बने रहना चाहिए विथ एन एक्सपेक्टेशन के 90-92 के ऊपर जल्दी हम ब्रेकआउट देख सकें। चलिए इसी बीच महेश जी मुंबई से इससे मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार, हाँ जी सवाल बताएं सर। सर जी शॉर्ट टर्म के लिए DHFL बाय करना है। दीवान हाउसिंग? हाँ जी। अच्छा नजरिया क्या, शॉर्ट टर्म कितना समझो, 1 महीना? हाँ जी। चलिए ठीक है। सचिनानंद जी ये जो DHFL जैसे जो स्टॉक है ना, दीवान हाउसिंग जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर मोमेंटम तो काफी स्ट्रॉन्ग बना है सीरीज की स्टार्ट में, ये सस्टेनेबल लगता है? और 1 महीने के पर्सपेक्टिव से बताएं सिर्फ कैसा लग रहा है दीवान हाउसिंग? देखिए अगर हम वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डाइवर्जेंस रेप्लिकेट हो रहा है, इनफैक्ट अगर आप वीकली RSI देखें तो काफ़ी समय के बाद यहाँ पर एक डाइवर्जेंस जैसा नजर आया है और ऐसे समय पे एक कंसोलिडेशन टू नेगेटिव काइंड ऑफ ट्रेंड बन जाती है। तो अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात ही करें तो 466 से जो डिक्लाइन देखा गया था वो काफ़ी शार्प था और उसके बाद एक डिसेंट सा पुलबैक देखा गया है, तो यहाँ पर अगर यू नो वापस 430 के नीचे अगर स्लिप हो जाता है स्टॉक तो अराउंड 400-410 के आसपास के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए स्टॉक एंटर यू नो फ्रेश एंट्रीज के लिए, थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक ये पर्टिकुलर डाइवर्जेंस इंटैक्ट है, अवॉइड दिस स्टॉक फ्रॉम ट्रेडिंग लॉन्ग्स। तो अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं होगी, लेकिन पिछले बीते समय में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अच्छी तेजी भी देखने को मिल चुकी है और देवान हाउसिंग में भी पिछले 1 साल में 100% तक का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है, लेकिन फ्रेश एंट्री की इस वक्त सलाह नहीं होगी। अब मुंबई से लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, कलाम हमारे साथ जुड़े हैं अपने क्वेरीज के लिए। कलाम नमस्कार।
क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? या मेरे आवाज तो आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हमें जस्ट डायल शेयर के बारे में पूछना था। जी पूछिए। हाँ, बाई करना चाहता था, डायल कौन सा टाइम में एंट्री ले सकता हूँ? जी ठीक है। अविनाश, जस्ट डायल पर इनका सवाल है, ये खरीदना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि किस लेवल पर इसमें एंट्री कर सकते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि जस्ट डायल में शायद अभी खरीदने का मौका नहीं होगा, क्योंकि अगर फंडामेंटली अगर हम देखें तो कंपनी के जो नतीजे हैं लास्ट वो क्वार्टर के काफ़ी सिग्निफिकेंटली पुअर है। इनफैक्ट अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया भी ले तो मेरे ख्याल से आने वाले एक दो क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफ़ी ख़राब होने की एक्सपेक्टेशन रहेगी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टॉक में गिरावट आने दीजिए, और मेरे ख्याल से नए प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने लॉन्च किए हैं वो कितने सक्सेसफुल होते हैं वो एक दो क्वार्टर में पता करने के बाद ही यहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। मेरे ख्याल से इस लेवल पर एंट्री करना शायद ठीक नहीं रहेगा। एक बार कोकुयो कैमलिन भी देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले अंचल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बोला था कि वैल्यू प्ले है, ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर है, अब 109 के जोन्स पे आ चुका है, दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। कुछ ही मिनटों में इस स्टॉक ने काफी स्ट्रांगली डिलीवर किया है। फिलहाल जो टारगेट है पोजिशनल बेसिस पे वो 130 का है।